मुंबई के 100 वर्षों के इतिहास में शायद ही वहाँ के लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा होगा जहाँ एक तूफान ने इतनी तबाही मचा दी। हालांकि मुंबई की ये खुशकिस्मती है कि वे इस कोरोना काल में भी बहुत बड़े नुकसान से तो बच गए, पर इसके निशान अभी भी मुंबई में देखे जा सकते हैं। मुंबई में अभी भी बारिश हो रही है और तेज़ हवाएँ चल रही हैं। जहाँ एक ओर NDRF ने महाराष्ट्र में अपनी तैनाती से कमान संभाली हुई है और खुद को तैयार कर रखा है इस तूफान में बचाव कार्य को करने के लिए, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के रायगढ़ में जहां पर तूफान की दस्तक हुई और वहां के भयानक नज़ारे आपके दिल को दहला देंगे कि कैसे एक जहाज माचिस की डिब्बी की मामूली सी किश्ती बन गया और कैसे लोगों की घरों की छत मामूली सी पतंग बनकर रह गई। मुंबई के तटीय इलाकों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। इनमें से कुछ राज्य में अब तेज़ बारिश बंद हो गई है तो कुछ तो तेज़ बारिश से रेड अलर्ट किया गया है। हालांकि अब चक्रवाती तूफान का खतरा टल गया है, परंतु तेज़ हवाएं और बारिश जारी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निसर्ग की गति पहले से अब धीरे हो चुकी है, अब यह उत्तर की तरफ चला गया है।